तो सौम्या जी के लिए कहना है कि सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी, सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी और दोपहर को देखा तो बड़ी हसीन लग रही थी। आगे का लाइन आपको बोलना है, सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी, दोपहर को देखा तो बड़ी हसीन लग रही थी और शाम को देखा तो बड़ी नमकीन लग रही थी। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए, लेकिन वो बोलिए, देखिए इशारा मैं दे रहा हूं आपको। अब आप बासी बासी बोले तो क्या मजा है, तुकबंदी भी है ना थोड़ा सा, हम भी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप अलगे अलगे जा रहे हैं, एकदम लाइन पकड़ के चलिए। क्या अगला, लेकिन अगला लाइन बोलिए आप सब, बहुत बहुत इजी है, बहुत आसान है। सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी, दोपहर को देखा तो बड़ी हसीन लग रही थी, शाम को देखा तो बड़ी नमकीन लग रही थी और रात को देखा तो थक तेरी ये तो बिगड़ी हुई मशीन लग रही थी। जियो जियो मेरे कहां के शेर, गोल बंधा के शेरों, जियो। मैं बिगड़ी हुई मशीन लग रही हूँ, बिगड़ी हुई मशीन हम नहीं बोले हैं, बिगड़ी हुई मशीन बोल लो को छोरवा सब, हम यहाँ खाली बोल लियो बिगड़ी हुई मशीन, ये लोग बोले क्या, हम बोले भैया हमने बोले, बोलने के लिए बोला कौन था, ये हमको फंसाइएगा भाई जी। अरे ये सौम्या के नजर से हमको क्यों गिरा रहे हैं, नहीं चलो रेडी। अगर मैं बिगड़ी हुई मशीन हूँ तो तुम भी कहाँ तगड़े लगते हो, मैं आप थोड़ा भैंसा चाहिए की गए, हाँ चाहिए, बुलडोजर चाहिए की, हाँ? जेसीबी मशीन चाहिए की, जी बिल्कुल, बहुत फिट है एकदम, फाट शरीर है, ऐसे नहीं चाहिए। अगर मैं बिगड़ी हुई मशीन हूँ तो तुम भी कहाँ तगड़े लगते हो, अगर मैं बिगड़ी हुई मशीन हूँ तो तुम भी कहाँ तगड़े लगते हो और बिना मूछो के तो तुम भी मुंबई के हिजड़े लगते हो। आप लोग पार्टी मार दिए, नहीं तुरंत मेरी तरफ से तुरंत पार्टी बदल दिए, अरे आप तो इतनी जल्दी पार्टी बदल दिए, इतना जल्दी नेतवो सबने पार्टी बदलता है, वो भी कम से कम चुनाव का इंतजार करता है, चुनाव के समय में पार्टी बदलता है, आप तो एक मिनट पहले मेरे तरफ थे, एक मिनट बाद इनके तरफ हो गए। वाह रे वाह, बुरा वक्त जब आता है हर कोई टाल देता है, बुरा वक्त जब आता है हर कोई टाल देता है और गधे पे बैठो तो वो भी उछाल देता है, बुरा वक्त जब आता है हर कोई टाल देता है और गधे पे बैठो तो वो भी उछाल देता है और ऐसी जवान लड़की के चक्कर में आदमी तो अपने बूढ़े बाप तक को घर से निकाल देता है। आपने पार्टी बदली तो कौन सा बुरा किया, ओ जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं और बर्बाद हुए हैं लड़की के चक्कर में और कहते हैं कि मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं, कोई की कह लेंगे हमें लगे छे मुंबई के हिजड़ा। इसमें कोई शक है, एक मिनट देख के बताइए, इनके पास मूंछ है नहीं है ना, तो फिर मैंने क्या बोला, बिना मूंछों के तो तुम भी मुंबई के हिजड़े लगते हो, बिना मूंछों के बोला ना, मैंने जितना आदमी पास मूंछ नहीं सब हिजड़ा हो गया, मैंने स्पेशल स्पेशली आपको बोला है, हमको बोला है जी, मैंने आपको बोला है कीबोर्ड वाला मुंह ढकने से तोरा नहीं कल गोर कर खावा, तोरा थोड़े कहते हो भैया लग, मैंने कर वो तोरो ने कल को मुझा रखा नकली मूंछ लगा, ए मोढ़ा। अच्छा हमको क्या बोलिए, हम बिना मूंछों के हिजड़े लगते हैं, हिजड़े लगते हैं रे। अच्छा एक चीज बताओ, हम दोनों के झगड़े में नुकसान किसका है, किसका है, हम दोनों के झगड़े में नुकसान किसका है, और अगर हम लगते हैं मुंबई के हिजड़े तो घरवा में दुद्दू को संतान किसका है। सच बता दूं, और सच बताओ, सच बताइए, सच बताइए, सच बताऊंगी तो
तो भूचाल आ जाएगा। अल्लाह ना भूचाल बरका बड़ी दिन से हिलो नहीं छे, 3-4 साल बाद है, 3-4 साल पहले हिलल रे एकदम हिलो ना ना जलेबी जमा हिला। बता दूं? अब बताओ, लेकिन तेरी अब्बा आपकी रिएक्शन एकदम सही से बताइए। ये बोल के आपने मुझे अच्छा किया, अब तो मैं पक्का बताऊंगी। सही सही बते हैं, पक्का बतेला सुने हैं तो सही सही बताऊंगी। सही सही बते हैं, हाँ सही सही बताऊंगी। तो थोड़ा नाना के लिए ये तो और अच्छी बात नहीं, क्योंकि सच बताने से अक्सर भूचाल आ जाता है। वाह वाह वाह, क्योंकि सच बताने से अक्सर भूचाल आ जाता है, पर जब तुम होते हो घर के बाहर, तुम्हारे घर की दुकान कोई और चलाता है। हारने मानिएगा, हारने मानिएगा, लेकिन रहेंगे सब छोरिये की तरफ न। हारने माने। अच्छा एक बात बताओ, जब आप तो कितना मेरी तरफ, कितना एक आदमी उधर से कहेगा हारने मानिएगा, मेरे तरफ कितना आदमी, कितना जी मेरी तरफ, पक्का पक्का। ए मेरी मर्दानगी को चैलेंज करने वाले सोनिया, मेरी मर्दानगी को चैलेंज करने वाली सौम्या, अभी तुमने मेरा पावर नहीं देखा। दिखाइए। मेरी मर्दानगी को चैलेंज करने वाली सौम्या, अभी तुमने मेरा पावर नहीं देखा, और मेरी लंबाई चौड़ाई पे मत जाओ, क्योंकि अभी तुमने रिलायंस जियो का टावर नहीं देखा। एक बात बोलूं? हाँ बोल। प्यार से घर बतियाओगे तो जीवन सवार दो। आप बोली अलहन लाइन पर, प्यार मोहब्बत पर आने गल है, यह आप में चाह रही है तो प्यार के बात कर। जो आप चाहते हैं वही तो बोल रहे हैं। एकदम आप बोल, अब तो बोल तब हम बोलबो। प्यार से घर बतियाओगे तो जीवन सवार दूंगी। वाह। प्यार से घर बतियाओगे तो जीवन सवार दूंगी, आंखें दिखाए तो मां कसम टावर उखाड़ दूंगी।